हेलो एवरीवन, स्वाजी सर आए हुए हैं हमारे यहाँ पे हेयर पैच लगवाने के लिए। आज हम सर के जो मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो है ग्लू मेथड। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप हेयर पैच के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग हेयर पैच। हेयर पैच एक नॉन सर्जिकल मेथड है जिसके अंदर जितना एरिया खाली होता है उतने एरिया के हिसाब से हम हेयर पैच को रेडी करते हैं एंड कस्टमाइज करके आपके उस एरिया को कवर अप कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ हेयर पैच। हम जो भी हेयर पैच का यूज़ करते हैं वो 100% नेचुरल ह्यूमन हेयर का होता है एंड आपके बालों के अकॉर्डिंगली हम मैच करके लगाते हैं। हेयर पैच को लगाने के दो मेथड्स होते हैं ब्रॉडली, एक सेल्फ मेंटेन ऑप्शन होता है और एक ग्लू ऑप्शन होता है जिसके अंदर आपको हर महीने सर्विस करानी पड़ती है। आज हम सर के जो मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो है ग्लू मेथड। इस मेथड के अंदर जितना एरिया आपका खाली होता है या जिस एरिया के अंदर पैच को हमें फिक्स करना होता है उस एरिया को हमें शेव ऑफ करना होता है क्योंकि हम कोई चीज़ को चिपका रहे हैं एंड जब भी हम कोई चीज़ को आपके बालों के ऊपर चिपकाएंगे तो हम आपके हेड के ऊपर चिपका सकते हैं, आपके हेयर के ऊपर नहीं चिपका सकते हैं। इस वजह से हमें आपके हेड को शेव ऑफ करना होता है। वेयरएज अगर हम एक सेल्फ मेंटेन ऑप्शन के अंदर जाते हैं जिसको हम क्लिपिंग मेथड भी बोलते हैं, उस मेथड के अंदर हमें आपके बालों को हटाने की नीड नहीं होती है, वो आपके बालों के साथ अटैच होता है। अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं कि कितने तरीके के मेथड्स हैं तो इसकी आपको डिटेल्ड वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सर के ओरिजिनल बाल थोड़े से वाइट हैं इसलिए हम उन बालों के ऊपर कलर कर रहे हैं। हम जो भी हेयर पैच का यूज़ करते हैं वो भी नेचुरल हेयर का होता है, सो आप उसके अंदर भी हेयर कलर कर सकते हैं अगर आपको नीड लगती है तो। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि अगर हम ग्लू का यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन के ऊपर तो कोई इशू नहीं आएगा। सो हम जो भी हेयर पैच का यूज़ करते हैं वो एक नेट का बना होता है जिसके अंदर एयर एंड वाटर का फ्लो रहता है एंड जब आपकी स्काल्प को प्रॉपर तरीके से एयर एंड वाटर का फ्लो मिलता है तो आपकी स्काल्प के ऊपर कोई इशू नहीं आता है। प्लस जो भी हम ग्लू का यूज़ करते हैं वो स्किन सेफ ग्लू होता है जो कि पर्टिकुलरली हेयर रिप्लेसमेंट के लिए ही बना है। सो जो होल्ड होता है वो एक ऑन एन एवरेज 20 से 25 डेज का रहता है अगर आप ग्लू मेथड के अंदर जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हम जो भी हेयर पैच का यूज़ करते हैं उसके अंदर हमेशा बड़े बाल आते हैं एंड हम इसके अंदर कट करते हैं आपके अकॉर्डिंगली। सो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पैच के अंदर बड़े बाल हैं एंड हम सर के अकॉर्डिंगली, जो सर के फेस के अकॉर्डिंगली हेयर स्टाइल सूट करेगा, हम उस हिसाब से उसके अंदर कटिंग को प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी सारे लोग आते हैं वो कन्फ्यूज होते हैं कि हमारे फेस के अकॉर्डिंगली किस तरीके से हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा। सो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी हम हेयर पैच का यूज़ करते हैं वो फ्री स्टाइल होता है। दैट मीन्स कि अगर हमने आज कोई हेयर स्टाइल बनाया है तो आप कल को उस हेयर स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं एंड जब आप कन्फ्यूज होते हैं और आप हमारे यहाँ पे हेयर पैच लगवाने आते हैं तो हम आपको हर एक लेवल पे एक डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल बना के दिखाते हैं। चाहे वो बाल बड़े में भी एक हेयर स्टाइल आपको बना के दिखाएंगे, थोड़े से छोटे में भी आपको हेयर स्टाइल बना के दिखाएंगे एंड जो आपके फेस के अकॉर्डिंगली सूट करेगा हम उस हिसाब से आपको एक हेयर लुक देते हैं जिसको आप फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहें, क्योंकि पैच जो होता है वो फ्री स्टाइल होता है। अभी करंटली हमारी 6 ब्रांचेस हैं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़ एंड इंदौर एंड हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम और भी ज़्यादा ब्रांचेस को ओपन करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके शहर में ओपन करें तो अपने शहर को कमेंट करिए एंड जहाँ पे भी हमारी सबसे ज़्यादा डिमांड आएगी हम वहाँ पे कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अपना नया आउटलेट ओपन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यस, जाके हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। काफ़ी सारी नई नई अपडेट्स हम इंस्टाग्राम पे रेगुलरली डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।